नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज मैं हूँ ऋषिकेश में और आप देख रहे होंगे मेरे पीछे मौसम का हाल, पूरा बादल लगे हुए हैं, अभी बारिश हो रही है और रेनकोट मैंने पहना हुआ। और मैं जा रहा हूँ ऋषिकेश से नई टिहरी के लिए। अभी थोड़ी देर पहले बहुत तेज़ बारिश हुई थी, रास्ता भी ख़राब होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी निकलते हैं यहाँ से ऋषिकेश में। अभी मैंने भद्रकाली की चौकी को पास किया है पीछे से और मेरे सामने देखिए कितना हरा भरा जंगल है। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं सफ़र। मेरा ऋषिकेश से नई टिहरी का सफ़र है, लेकिन आज मौसम थोड़ा सा ख़राब है, हो सकता है बीच में रोड भी आपको ख़राब मिले। समय आपको बता दूँ कि 3:35 घर से निकल गया था लगभग 3 बजे के आसपास, पेट्रोल भराया और उसके बाद बारिश लग गई थी तो गाड़ी खड़ी कर दी मैंने थोड़ी देर एक जगह पे, आधा घंटा वहाँ पे खड़ा रहा और आप यहाँ से निकल पड़े। और थोड़ी देर चलने के बाद ही हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ व्यू पॉइंट पे, पीछे ऋषिकेश है। अब देखिए ये है सारा ऋषिकेश का व्यू। वाह, और उधर काले घने बादल छाए हुए हैं, उधर तो कहीं बारिश भी हो रही है वहाँ। और ये आपको रेलवे स्टेशन दिखाई देगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अपना सफर यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। भाई अभी पहुंच गया नरेंद्र नगर के नीचे और यहाँ पूरा ही लैंडस्लाइड हो रहा है। यहाँ हमें जाना है नरेंद्र नगर के रास्ते से, G20 के टाइम पे ये सब बनाया गया था। G20 का जब सम्मेलन हुआ था भारत में तो लोग आए थे और तब ये सब कार्यक्रम हुआ था। और जगह जगह पत्थर गिरे हुए, ये सब रॉक्स हैं, पत्थर गिरती हैं। आज चूँकि आज रक्षाबंधन है तो आज सभी लोग देखिए अपने भाई बहनों के साथ घूमने के लिए निकले। आप सभी को रक्षाबंधन की भी बहुत बहुत बधाई हो। मेरे चैनल को जुड़ने वाले जितने भी दर्शक हैं आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। बारिश रुक गई है तो लेकिन सड़क अभी भी गीली है, इसी चीज़ में संभाल के चलना पड़ रहा है। लगभग 40-45 की स्पीड में हम लोग चल रहे हैं। अभी देखिए रोड में जगह जगह मिट्टी आई हुई है, बारिश होती है, बारिश के साथ मिट्टी बह के आ जाती है, जिससे क्या होता है कि सड़क जो है स्किडी हो जाती है, वहाँ फिसलन बढ़ जाती है। हालांकि टप 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 की बारिश की आवाज़ आने लग गई है, बूंदाबांदी शुरू हो गई है। ये देखो, ओ भाई ओ भाई ओ भाई, क्योंकि लैंडस्लाइड की संभावना बन रही है। देख लो भैया, कुछ भी हो सकता है। चलिए अपनी यात्रा को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से एक रास्ता चला जाता है बाईपास के लिए, और यहाँ से लेफ्ट उठ जाएंगे तो नगर शहर के लिए चला जाएगा। टाउन के लिए चलिए चलते हैं। और अभी भी यहाँ देखो ऊपर तो बादल भी काफी गहरे खड़े आ गए हैं, अब थोड़ा विजिबिलिटी की दिक्कत होगी, अब विजिबिलिटी कम हो जाती है। गाड़ियाँ लाइट जला के आ रही हैं, फॉग लैम्प जला के आ रही हैं। और ये के नरेंद्र नगर की काफ़ी प्राचीन और ऐतिहासिक शहर है ये, नरेंद्र नगर कोतवाली हो गई सामने। चलिए दिखाते हैं आपको नरेंद्र नगर शहर, ये शुरुआत यहाँ से हो जाती है। यहाँ पे ये चला जाता है स्टेडियम पे है, ये नया नगर पालिका का कॉम्प्लेक्स बना है यहाँ पर। पहले ये नहीं हुआ करता था, ये हाल ही में कुछ एक साल से बना है। यहाँ पे दुकानें, कई सारी दुकानें बना दी गई हैं हमने आपको देखा। और हमारे राइट साइड में ये है नरेंद्र नगर का ऐतिहासिक बाजार, ऐतिहासिक दुकानें, काफ़ी पुरानी इमारत है, उसके लेफ्ट हैंड पे नगर पालिका भवन है, यही कदीर है।
ये मुख्य बाजार है नरेंद्र नगर, यहाँ सभी डिपार्टमेंट सभी विभागों के ऑफिस कार्यालय यहीं पर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नरेंद्र नगर से, हम अब चंबा के लिए निकलेंगे। हालांकि आप सामने देख रहे हो कुछ नहीं दिख रहा है, वो बेटे कार में कुत्ता बैठा हो भाई, उतनी निकाल के तगड़ा ये एडवेंचर हो गया बहुत, कुछ नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं। ओ भाई साहब ट्रक खड़ा हो रहा, दिखाई नहीं, स्पीड भी मैंने कंट्रोल कर ली, अब तो लगभग 25-30 पे चल रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे। अचानक से गाड़ियाँ आ जा रही हैं, दिख नहीं रही हैं बिल्कुल। तो PTC के सामने जहाँ से रोड कटती ऊपर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर नरेंद्र नगर के लिए, चंबा यहाँ से 40 और टिहरी 50 किलोमीटर है। एक तो मैं हाफ पैंट में आ रखा हूँ, ऊपर से ऐसा मौसम हो रहा है, ये हाफ पैंट में आया हुआ। कहाँ है रोड, तो भाई साहब क्या ही बताऊं मैं, क्या मौसम हो रखा है। नरेंद्र नगर से ऊपर आते ही कुछ इस तरह का मौसम है, और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये स्कूटी खड़ी है अपनी, और उसके पीछे कुछ दिख ही नहीं रहा है, और ये रोड है, ये कहीं मौसम में कहीं कुछ ही नहीं दिख रहा है, ऐसा घना मौसम हो रखा है। लगभग पिछले 8-10 किलोमीटर से गाड़ियाँ आ रही है, दिख नहीं रही हैं, वो देखो लाइट, जितनी भी गाड़ियाँ सब लाइट जला के आ रही हैं। तो चलते हैं ऊपर की तरफ, देखते हैं कहाँ तक ऐसा मौसम बना हुआ है। चलिए आइए, ये आ गया भाई लैंडस्लाइड जोन, भयंकर वाला पकड़ रहा। चलिए तो लो जी, पार कर दिया हमने बगड़धार, जो कि हाई लैंडस्लाइड जोन है, और कुछ भी नहीं दिख रहा था। अचानक से गाड़ियों के खड़े होने की आवाज़ हुई, तो मैंने भी ब्रेक मार ली है, तो देखा सामने बगड़धार पहुंच गए। पिछले काफ़ी समय से बगड़धार में लैंडस्लाइड होता रहा है, और इसीलिए वहाँ पे 2 JCB हमेशा परमानेंट प्रशासन द्वारा नियुक्ति कर दी गई है। उससे आगे बढ़ गए भाई साहब, अब कुंजापुरी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन मौसम अभी देखो आप, ये है मौसम, सारी गाड़ियां टिप्पर जला के चल रही हैं, जगह जगह पत्थर आए हुए हैं मौसम के कारण। कुछ नहीं दिखे हुए यार, अभी अभी जस्ट हमने कुंजापुरी मंदिर पार कर लिया है, कुंजापुरी मंदिर के दर्शन भी नहीं हो पाए, इतना तगड़ा मौसम है, इतने तगड़े बादल लगे हुए चल रहे हैं, बस माता रानी की कृपा से। तो भाई अभी मौसम में थोड़ा सा चेंज है, हल्के हल्के बादल थे, और अब बारिश भी शुरू हो गई है। अलते के साथ हम पहुंच गए हैं आगरा काल में, आगरा काल बाजार में क्रॉस कर रहे हैं अभी, देखो बादल वैसे के वैसे ही, लेकिन बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है, और अपने आगरा काल को मार्केट को भी क्रॉस ही कर दिया। हम पहुंच गए आगरा काल मार्केट, अभी जब सामने क्रॉस किया, और आप देख रहे होंगे रेनकोट भी अब भीगना शुरू हो गया है, तो इसका मतलब है कि बूंदाबांदी भी शुरू होगी, और मौसम में ज़्यादा चेंज नहीं है, कोहरा ऐसे ही लगा हुआ है। दूसरी बात है कि अब यहाँ से डाउन जाना है, हमने स्लोप में जाना है, तो ये थोड़ा और रिस्की हो जाएगा, तो इसलिए और संभल संभल के चलते हैं अब आगरा काल से चंबा के लिए।
तो देखिए दोस्तों, जैसे हम आगरा खाल को हमने क्रॉस किया है, ऐसे ही अब जो है बादल छट गए हैं, लेकिन बूंदा वाली हल्की हल्की हो ही रही है। इधर अभी भी बारिश हो रही थी, ऊपर आगरा खाल तक बारिश नहीं थी। हमने आगरा खाल क्रॉस किया है तो बारिश शुरू हो गई है, लेकिन जो बादल थे वो छट गए। ये देखिए चट्टाने सब गीली हो गई है, यही सबसे खतरनाक होता है, जो चट्टाने गीली होती है तो सरकती है। वहाँ दूर तक वहाँ तक बादल था। ओ भाई साहब, कभी इतना सुंदर झरना हुआ करना, हाँ तो पूरा देखना, ऊपर से लग रहा बादल फट गया, जगह जगह लैंडस्लाइड हो गए। तो दोस्तों पहुंच गए हैं हम लोग बेमुंडा में, जो कि पहाड़ी की तलहटी पे है, तो यहाँ पे ना तो उतनी कोहरा है, बादल नहीं है, मौसम भी थोड़ा साफ हो गया है और बारिश भी थोड़ा रुक गई है। हालांकि थोड़ी पूरी तरह से नहीं रुकी, लेकिन थोड़ी रुक गई है। दोस्तों पहुंच गए हम लोग चंबा, और चंबा से लगभग 2 किलोमीटर पीछे ही है ये सामने जो आपके दिख रहा है, ये है चंबा बाजार। वहाँ से गंगोत्री 205 किलोमीटर, नई टिहरी 12। वाला रास्ता है गंगोत्री के लिए, उत्तरकाशी के लिए, अभी हम ऊपर चले गए चंबा वाले रास्ते। आज रक्षाबंधन है तो अवसर पर शायद हो सकता मार्केट बंद भी हो, नहीं देखना दुकानें बंद नहीं है सब लोग सारी, क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार भी है आज। सो फाइनली गाइस पहुंच गए हैं नई टिहरी, और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे पूरा नया टिहरी टाउन। लगभग हमको 2.5 घंटे लगे हैं वहाँ से ऋषिकेश से नया टिहरी पहुँचने में। मौसम भी काफ़ी प्रतिकूल था, काफ़ी ख़राब मौसम था, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके पहुँच गए। और यहाँ भी धीरे धीरे ये जो बूंदाबांदी शुरू हो गई है, यहाँ भी बारिश वाला हो गया है। आप देख रहे हो पूरा काले काले बादल है वहाँ पर, ये पूरा नया टिहरी शहर है। और वहाँ कहीं पर नीचे वो जो नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वो केंद्रीय विद्यालय की इमारत वहाँ पर बनने जा रही है। तो चलते हैं जल्दी से अपने कमरे में, क्योंकि यहाँ भी थोड़ी देर में बारिश तेज़ हो जाएगी और फिर अब बच पाना मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पहाड़ों में बारिश बहुत ही भयंकर होती है। ये आप देखो, तो फाइनली गाइस पहुंच गया हूं अपने रूम पर, और आपने देखा कि किस तरह का रास्ता था, किस तरह का पूरा सफ़र था मेरा। मौसम ने मेरी खूब परीक्षा ली, कहीं पे बादल थे तो कहीं पे रोड ब्लॉक था, कहीं पे लैंडस्लाइड था, कहीं पे स्किड था, लेकिन ऊंचाई नीचाई इस तरह का रास्ता है ऋषिकेश से टिहरी के लिए। और इस तरह के वीडियोज़ को अगर आप देखना चाहते हैं तो मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार ऐसे ही बनाते रखिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय।